बीपीएससी पेपर लीक मामले में विजय सिन्हा का बड़ा बयान, सीबीआई से होनी चाहिए मामले की जांच, विजय सिन्हा ने कहा। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें कि तारकिशोर जी ने साफ तौर पर कहा कि अभी सरकार को सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन इसी बीच विजय सिन्हा का भी बड़ा बयान इस वक्त सामने आ रहा है। विजय सिन्हा ने कहा कि सीबीआई से होनी चाहिए मामले की जांच, यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पेपर लीक होने के बाद बच्चे इस वक्त बेहद परेशान और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब तमाम नेता सक्रिय हो गए हैं, पूरे मामले पर सरकार को घेर रहे हैं और जो भी अधिकारी या कर्मचारी या फिर जो भी इस मामले में दोषी है, जिनकी जिम्मेदारी बनती थी, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। बीच में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का बड़ा बयान, उन्होंने कहा कि ऐसे मामले की जांच सीबीआई से और इस मामले की भी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। तंत्र कमजोर है, पहले ही ने कहा, हमने कहा था, क्या बीपीएससी का मामला हो या बीएसएससी का मामला हो, ये सब जगह इनके हस्तिनापुर के गुलाम लोग बैठे हैं, बरसों से जमे हुए हैं और ये लोग एक बड़ा प्रतिभा का घोटाला करते हैं। नियुक्ति का घोटाला में इनकी अहम भूमिका होती है और इसको जब तक नहीं हटाएंगे, हमने तो पहले भी मांगा, बच्चों ने भी मांगा है कि सीबीआई से जांच कराइए, ताकि इस तरह का जो रैकेट पूरे बिहार के अंदर खेल रहा है वो बंद होनी चाहिए। तंत्र कम तो इस पूरे मामले पर विजय सिन्हा ने कहा कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए पूरे मामले की। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सिस्टम चल रहा है और जिस तरीके से शिक्षा माफिया इस पूरे मामले पर सक्रिय है, ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए, ताकि दूसरे की हिम्मत फिर इस तरीके से दोबारा ना हो पाए।